नमस्कार सत्याकाल और बताइए की हालचाल। तो मैं वापस आ गया अपने चैनल बायोग्राफी थर्ड्स पर एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है टीवी पर्दे की काफी मशहूर एक्ट्रेस के बारे में, जिनको इनके फेमस रोल की वजह से हर कोई जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागिन सीरियल से मशहूर हुई एक्ट्रेस मोनी रॉय के बारे में, जिन्होंने इस शो की अपार सफलता के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपनी कमाल की एक्टिंग की वजह से काफी ज्यादा बुलंदियों को छूती जा रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोनी रॉय की लाइफस्टाइल के बारे में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। स्टार्ट करते हैं इनके फुल नेम से। इनका फुल नेम मोनी रॉय है और इनका निकनेम माया है। मोनी प्रोफेशन से एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी है। मोनी का जन्म 28 सितंबर 1985 को वेस्ट बंगाल के कोच बिहार शहर में हुआ था और प्रेजेंट में मोनी की एज 36 इयर्स हो चुकी है। बात करें अगर जो मोनी के होम टाउन के बारे में, तो इनका होम टाउन वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। एंड बात करें अगर जो इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में, तो मोनी की हाइट 5 फीट 5 इंच और इनका वेट 50 केजी है और मोनी का आई और हेयर कलर ब्लैक है। एंड अब हम चलते हैं मोनी रॉय की फैमिली प्रोफाइल की तरफ। तो मोनी के फादर का नाम अनिल रॉय है, जो की एक सुपरिटेंडेंट है, और मोनी की मदर का नाम मुक्ति रॉय है, जो की एक टीचर है। इनकी फैमिली में इनका एक सिबलिंग ब्रदर भी आता है, जिसका नाम मुखर रॉय है। एंड अब हम बात करते हैं मोनी रॉय के मैरिज स्टेटस के बारे में। तो मोनी रॉय की शादी 27 जनवरी 2022 को गोवा में होने वाली है और इनके होने वाले हस्बैंड का नाम सूरज नाम्बियार है, जो कि एक इंटरप्रेन्योर है। एंड अब हम आपको बताते हैं मोनी रॉय की एजुकेशन के बारे में। तो मोनी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से पूरी की है, जो कि कोच बिहार में स्थित है। और अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और बात करें अगर जो मोनी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मोनी ने इंग्लिश ऑनर्स कोर्स मास कम्युनिकेशन से किया है। और अब हम आपको बताते हैं मोनी रॉय के करियर के बारे में। तो मोनी रॉय ने टेलीविजन सीरियल्स की दुनिया में अपना डेब्यू 2007 में किया था और इनके डेब्यू सीरियल का नाम क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और मोनी रॉय ने फिल्मों की दुनिया में अपना डेब्यू सन 2011 में किया था, लेकिन इनकी यह एक पंजाबी फिल्म थी और इस फिल्म का नाम हिटलर इन लॉ था। मोनी रॉय ने हिंदी मूवी में अपना डेब्यू सन 2018 में किया था और इनकी इस डेब्यू फिल्म का नाम गोल्ड था। और इस मूवी में उनके साथ बॉलीवुड के जाने माने सितारे अक्षय कुमार काम कर रहे थे और इनकी यह मूवी काफी ज्यादा हिट रही थी। और बात करें अगर जो मोनी रॉय के हिट सीरियल्स के बारे में, तो मोनी रॉय के हिट सीरियल्स में नागिन और देवों के देव महादेव का नाम आता है। मोनी रॉय को इनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। मोनी रॉय को 2016 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ITA अवार्ड मिला था और 2017 में मोनी रॉय को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए गोल्डन पेटल अवार्ड भी मिला। एंड अब हम बात करते हैं मोनी रॉय की हॉबीज और उनके फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो मोनी रॉय की हॉबीज में पढ़ना, पेंटिंग करना, ट्रैवलिंग करना, स्केचिंग करना और डांसिंग करना आता है। और वहीं अगर जो बात करें मोनी रॉय के फेवरेट थिंग्स के बारे में, तो मोनी के फेवरेट फूड में कढ़ी चावल, खिचड़ी और चाइनीज फूड आता है। मोनी के फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम आता है और मोनी की फेवरेट एक्ट्रेस की लिस्ट में माधुरी दीक्षित जी का नाम आता है। मोनी की फेवरेट फिल्म का नाम हैरी पॉटर है और मोनी के फेवरेट सॉन्ग का नाम लग जा गले है। और बात करें अगर जो मोनी की फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में, तो मोनी की फेवरेट डेस्टिनेशन लंदन और पेरिस है। और अब हम बात करते हैं मोनी रॉय के कार कलेक्शन के बारे में। तो मोनी के कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज GLS आती है, जिसकी प्राइस 88 लाख रुपए, और इसके अलावा मर्सिडीज बेंज ई क्लास, जिसकी प्राइस 70 लाख रुपए। और अब हम बात करते हैं मोनी रॉय की मंथली इनकम और उनकी नेटवर्थ के बारे में। तो बात करें अगर जो मोनी रॉय की मंथली इनकम के बारे में, तो मोनी रॉय की मंथली इनकम 40 लाख रुपए है। और वहीं अगर जो बात करें मोनी रॉय की नेटवर्थ के बारे में, तो मोनी रॉय की नेटवर्थ 5 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 37 करोड़ रुपए निकल कर आते हैं। तो ये थी मोनी रॉय की लाइफस्टाइल पर हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड मैं मिलूंगा आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।